जा जा। लको गुड मॉर्निंग बोलो। लको गुड मॉर्निंग। माँ मम्मा गुड मॉर्निंग बोल बे। लको बहुत बिजी है, दोनों गाड़ी एक साथ चला रही है ना। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? दुर्गा पूजा का क्या प्लानिंग है? हमारे इधर पे ना अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम चलता है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ आएगा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप समझ सकते हो, नया नया घर है। कर्टन्स गुलो तो देखाबे सबाइके। चलो चलो कर्टन देखाबो। कर्टन चलो 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 ओठो ओठो। कर्टन देखाते होबे। एई हरे ना बाबा ओई रूमे, तोमार रूम तो ओइटा। चलो चलो सबाइके देखाते होबे, तो कर्टन देखाते होबे ना। सुबह सुबह मच्छर काट दिया ग्लकू सिंह को। हाँ चलो आसो आसो, तुम ट्रेन नहीं खेलो, बस बस गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। अच्छी बात है कि हमारा ऑलमोस्ट सारे घर का पर्दा आ गया है। पर्दा आने पे ना लुक से चेंज हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सुबह उठ के ना मम्मी ने रोटी बनाया है, क्योंकि कल रात का 2 रोटी रह गया था, तो मैंने सोचा आज पूरा ही रोटी खाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो बना रही हूँ थोड़ा सा बैंगन का सब्ज़ी, इधर सांभर बनाऊँगी। तो दाल ऑलरेडी बॉयल हो गया है, बैंगन फ्राई हो रहा है थोड़ा सा अलग तरह की। मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। एक अनियन, हाफ टमाटर 90 रुपीज़ kg हो गया है अभी, हाफ करके खाना खाने का जोक सा पार्ट, पर इसमें कम ही लगता है। थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ा सा मैं धनिया डालूँगी। और धनिया ना विथ डंटल ही आप डालना, क्लीन करके। डंटल में ना धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। थोड़ा सा साउथ स्टाइल का मैं करी बनाऊँगी बैंगन का। इसके अंदर मूँगफली ज़रूर डालना है। फाइन प्यूरी बनाऊँगी। थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस ये मसाला डाल देंगे। बस सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नो जीरा, धनिया, बैंगन डाल देंगे। बाप रे, बैंगन का सब्जी रेडी। खा के देखो थोड़ा सा। लगू आज खाबी है। लगू की होलो? ये गरम बोले तो अच्छा ना। ना गरम तो नहीं माँ, ठंडा कोड़ा दिए छे तो। आय आय। देखने में सब्जी अच्छा लग रहा है ना। हेलो भालो खेचो। लकू देखो कैसे खाती है, बैंगन का छिलका फेंक दिया है। रुटी खेचो तो? रुटी शेष, एबार बेगुन खाओ। रुटी तो खाच्छिलोई ना, अति कष्टे रुटीटा खेयेछे, एखन आबार रुटी खाबे, बेगुन खाबे ना। बाहर का खाना खा रहे थे 1-2 दिन से, तो आज ना सिंपल सांभर और राइस, मतलब सांभर राइस बनाऊंगी। ये एक तरह की खिचड़ी होता है साउथ इंडिया का, तो इसीलिए सांभर बनाऊंगी। पर इतने दिन बाद मैं सांभर बना रही हूँ ना, भूल ही गई हूँ कि कैसे सांभर बनाते हैं। सांभर में ना थोड़ा सा हींग ज़रूर डालना, बहुत अच्छा होता है टेस्ट। ये पता है मैंने किधर से सीखा? मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी ना, उनसे सीखा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द नॉइज़। सो मेरी जो डॉक्टर थी ना, उन्होंने मुझे एक बार बोला था, मैंने पूछा था कि मैम मैं हींग खा सकती हूँ? हींग क्या है? बोला ऐसे पटीटा। बोला हाँ हाँ, वो सांभर में डालते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हाँ खा सकती हो प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उस टाइम से मेरा दिमाग में आ गया कि हींग या ऐसा पटीटा डालने से सांभर अच्छा बनता है, क्योंकि मैम तेलुगु थे और मुझे लगता था उनको देख के कि उनको वो फूडी है, तो इसीलिए उसके बाद से मैं सांभर में ये डालती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फैमिली रेडी, क्योंकि खाना तो आज हो ही गया है बनाना। कुछ ऑल्टरेशन के लिए देना है, मम्मी का कुछ सलवार भी ठीक कराना है। चलो लकू चलो चलो, रेडी? गोलू, पता नहीं गोलू को आजकल बहुत डरती है लकू, गोलू से। चलो 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 चलो। गोलू के जाके पूछ के आता है, खाबी? गोलू खाबी? चलो लाइट ऑफ करते हैं। चलो चलो गोलू चलो। बाय बाय। तो सबाई ब्लू। এটা কিন্তু কোইন্সিডেন্সলি। বাই বাই। দেখো বাইরে কোন দিক দিয়ে যায় দেখাও তো। চলো চলো। গোলুকে ভয় পাচ্ছে। এই হঠাৎ করে কি হলো? গোলুর প্রতি নিঘাত লাথিটাতে দিয়েছিল, গোলু উঠে গেছিল। চলো চলো চলো। এই বলতে আমি। এখানে চোখটা এই গোলু আসছে গোলু আসছে গোলু আসছে। এই গোলু গোলু গোলু। लगू पापा को अभी देर नहीं होती है। पापा कब से रेडी होके बैठे हैं? हाँ तो मैं क्या करूँ, सांभर बन रहा था। 2 3 2 3 2 3 लगू 2 3 2 3। ওকে ছেড়ে দাও দেখি আমাদের গাড়ি চিনতে পারে কিনা। কেমন যা আমাদের গাড়ি চিনতে পারে কি? আমাদের গাড়ি কোনটা? যাবো। इधर ही रहता है एक्चुअली हमारा कार। इधर এটা না ও দেখো লাল গাড়িটাই চুজ করেছে কিন্তু ও তার মানে কালার বোঝে। দেখো এটা না কই কই গাড়ি কই? বেলু কই বেলু? বেলু কই? কই গাড়ি? কোনটা আমাদের গাড়ি কোনটা? এইটা গুড গার্ল গুড গার্ল। ওয়াও ওয়াও গ্লাকু ওয়াও। এটা আমার তোমার গাড়ি এটা তোমার গাড়ি। এইটা নয় ও এটা আতুলের গাড়ি বলছে। আতুলের গাড়ি এটা নয় আতুলের ব্লু গাড়ি ব্লু এটা রেড। अभी सलवार बनाबी हैं सलवार पड़बी के लिए ना मैं एक वेलवेट का सलवार बनाऊंगी प्लाजो और ऐसा होता है ना एकदम टॉप जैसा। मेरी बहन की शादी आ रहा है उसमें पहनने के लिए ये बोल रहा है कि वो कस्टमाइज बना सकते हैं। ग्लाकू के साइज़ का पता नहीं मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली शादी जो है ना एकदम विंटर में है तो कुछ वेलवेट का पहनाने से अच्छा रहेगा। वो अंदर स्वेटर डाल के फिर वो पहनाएंगे। उसके लिए कपड़ा लूँगी नार्सिंग में कपड़ा अच्छा मिलता है उधर से लेके आऊँगी। टमाटर लेने रुकी थी ऑनलाइन में ना टमाटर 80-90 ऐसा दिखा रहा था 60 में भी देखा मैंने। अरे इधर पे पता है 120 बोला मुझको। एक गाना था ना वो भी सड़ा हुआ अच्छा नहीं है उसको क्लीन कर करके रख रहे हैं। एक गाना था कि वो टमाटर बड़े मजेदार है। टमाटर भले मजेदार टमेटो और है ऑनियन दोनों ये दोनों का जो प्राइस है ना वो कभी कभी 2 रुपए में 10 रुपए में आ जाता है। कभी कभी 10 रुपए में कौन खाता है भाई टमाटर? अरे हो जाता है कभी कभी। आप लोग पता होता है? अरे होता है नॉलेज नहीं है। अरे 10 से 15 हो जाता है बट कभी कभी ऐसे 15 से डायरेक्ट वो 100 में आ जाता है। ये इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है तो कल से नॉनवेज खाना बंद। नॉनवेज में कौन सा टमाटो लगता है? टमाटो ऑनियन लगता है ना। ओनली ये खाओ ऑनियन तो लगता है। सिद्धो भात खाओ। नहीं तुम दूसरा रेसिपी देखो ना जिसमें टमाटो नहीं चाहिए। नहीं कल से तुम सिद्धो भात खाओ। अभी आज से हम लोग विदाउट टमाटो वाला रेसिपी देखेंगे। क्यों? जिसमें टमाटो की जरूरत ही नहीं है तो झंझट का। अच्छा ऑनियन बनाएगा ऐसा स्पेशल रेसिपी। घर जाने में बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि वही यूनिवर्सल प्रॉब्लम उधर उधर अभी उस गेट से नहीं करने देते एंट्री। आदत हो गया है। क्या है ना कि वही प्रॉब्लम है कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने गैस ऑफ किया है कि नहीं किया है पता नहीं। बहुत डरी हुई आ रही हूँ। हाँ ऑफ था वो पता नहीं क्यों मुझे इतना टेंशन होता है ना। अभी उसका रूम का 60% डेकोरेशन डन हो गया है। वो उसका टूर देगी। ये देखो ग्लाकू आए देखा सबाई के। ये रहा ग्लाकू के रूम का नया कर्टन्स। कितना अच्छा लग रहा है ग्लाकू? अच्छा लग रहा है हैं? इसको मैंने ऐसे बांध के रखा है और ये वाला तो आपने देखा ही था पहले ये लिया है। इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो ना ये एक्चुअली एक साइड से मैंने सुंदर से रखा था और ग्लाकू इसको मतलब खींच रही है तो अभी थोड़ा सा गड़बड़ करके रखा है फिर एनीवन इसको ठीक करेंगे। और ये है ग्लाकू का प्ले स्टेशन। कैसा लग रहा है तुम्हारा नया रूम? अच्छा है। एक्चुअली अभी भी बहुत सारा बाकी है। इधर पे कुछ आएगा इधर पे तो अभी ऐसे ही रखेंगे 1-2 साल। उसके बाद ग्लाकू का स्टडी टेबल आएगा है ना ग्लाकू? अभी फ़िलहाल इसमें वो खेलती है तो इस तरह से इसको छोड़ दिया है इस जगह को। ग्लाकू तुम्हारे पुतुल को तो पुतुल डॉल को डॉल डॉले हाथ पा भेंगे पड़े रही तो डॉल इस तरह से आप एक बार सांभर राइस बनाना। पहले तो सांभर राइस मतलब मैं खिचड़ी जैसे एक साथ बनाती थी पर अगर राइस बनाने के बाद दाल के अंदर आप ऐसे मिलाओगे ना तो ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। खिचड़ी का थोड़ा सा अलग वर्जन आप बोल सकते हो। पापा चोरी हो जाता है। चिप्स 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 इसके साथ ना आप ऊपर से थोड़ा सा घी और अचार के साथ खाओ, अच्छा लगता है। अच्छा यार बहुत बढ़िया हुआ सच्ची में। ये जो है ना ये साउथ में मंदिर में देते बहुत बढ़िया बनता है। जैसे हमारे वहाँ पे खिचड़ी बनता है ऐसे और देखो सांबर राइस बोलते हैं ना, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, तो ये लोग सांबर राइस में ना वो वाला राइस यूज करते हैं गोविंद भोग। हाँ। इधर पे तो मैं सांबर राइस बोल के खरीदती हूँ। जीरा सांबर राइस ना। ये हमने इस रूम के लिए ऑर्डर किया था। ये थोड़ा सा मैंने लिया है ऐसे जो मतलब गार्ड करेगा धूप को, ठीक है। और ये दोनों साइड में कुछ डिफरेंट ऑर्डर किया था जो थोड़ा सा शिमरी काइंड ऑफ, शिमरी नहीं थोड़ा सा लिनेन काइंड ऑफ पर्दा है, पर वो अभी तक आया नहीं है। ये आया है तो इसको टंगा दिया है। ये अच्छा लग रहा है ना प्रिंट, और बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट कॉटन में है। साइड में ना टर्सल भी है। लाड्डू के खाचे देखिए, हाँ करो देखिए मुखे लाड्डू, रागी लाड्डू खाओ खाओ खाओ। लड्डू वन मोर लड्डू एज खुशी हैप्पी। बहुत चलता है ना बाहर, बहुत दिनों से मैंने आपको अपडेट नहीं किया है कि और क्या क्या बना, तो पहले दिखाते हैं। वो देखो सब लोग कैरेटे प्रैक्टिस कर रहा है, कितना अच्छा लगता है ना। और ये पार्क ना इसमें अभी बच्चे लोग गोल कुछ बनाया है, इधर पे बहुत लंबा लंबा कुछ ट्री लगाएंगे ऐसा देखा था मैंने। अरे देखो ये क्या है, ये मंकी है। इधर मंकी कैसे चढ़ गया ऊपर, उठे बैठे हैं ये, बाप रे। और इधर पे भी देखो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो गया है। ये ओपन एयर जो ऑडिटोरियम है ये बन गया है ऑलमोस्ट। इधर पे भी ग्रास लगाने के लिए सब लगा रहे हैं। उधर पे भी कुछ बना रहे हैं शायद गोल करके, पता नहीं कुछ बन तो रहा है। हैं लाड्डू खाबी बाड़ीते, दूध खाबी दूध तो गरम कर रखे जाए एसे खेओ ठीक है। এখন লাড্ডু খেয়ে নাও, আমাকে একটু দেবে লাড্ডু? দাও না একটু লাড্ডু দাও না, আর দাও না মা, দেবে না দেবে না ঢঙি ঢঙি লম্বু হয়ে গেছে আগের থেকে। তাই না बाहर छिलो ओटा तो भालो छिलो, घरे आने छी। ये रहा हमारा बेडरूम का जो ब्लू थीम है ना उसका कलर में, पर ये वेलवेटी बहुत अच्छा है क्वालिटी इसका। ये कर्टन साइड में पॉम पॉम है। मैंने अपने क्लिप से इसको ऐसे बांध के रखा है क्योंकि वो हमने अभी तक ले ही लिया है। वो टाई करने का एक चीज़ रहता है, वो मैं लूँगी सिल्वर कलर का अच्छा वाला। तो इधर से एक ऐसे जाएगा, इधर से एक ऐसा है, और इधर पे तो मैंने पुराना कर्टन जो है ना वो फोल्ड करके रखा हुआ है। इधर पे 2 या 3 इंच का एक गद्दा आएगा, वो आएगा ग्रे कलर का, तो तब जाके ये जगह जो है ना वो कंप्लीट होगा। आ गया है हमारा नया वॉशिंग मशीन। ये बॉश का है, 9 kg का है, फुल्ली ऑटोमेटिक है ना। और कुछ फीचर्स बोलो। फीचर दादा फीचर्स तो बहुत है, वो अनिवन को भी पता नहीं है क्योंकि अभी इसका जो डेमो देने आए थे ना अमेज़न से आए थे, वो मेरे से भी खराब है। उसको हिंदी नहीं पता है। उसका हिंदी का प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इसमें होता क्या है। वो मुझे बोल रहा है नहीं, वो मुझे को बोला बॉस से नहीं, बोला कि सर आप यूट्यूब में चेक करो सब मिल जाएगा। अच्छा ये अच्छा आइडिया दिए तुम कि मुझे पता ही नहीं। अभी भी ना हमारा इस जगह पे इंटीरियर का कुछ सामान है, देखो ग्लास फ्लास है, तो हम घुस नहीं पाते इसके अंदर अच्छे से। तो अनिर्वन ने जैसे तैसे ये जगह थोड़ा सा क्लीन करके वॉशिंग मशीन घुसा दिया है। अभी ऑन करो। और कुछ डालना है क्या? पता नहीं, ओवरलोड दिखाएगा ना। एआई है? हाँ है। उन्होंने बोला कि इसमें एआई नहीं है, तो अनिर्वन ने बोला है, इस वाले मॉडल पे तो एआई है। फिर उन्होंने बोला, फिर उसके बाद बोला एआई होता क्या है। तो मैं और कुछ पूछा ही नहीं। ये जगह थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। इंटीरियर जब तक ये इनका सामान नहीं लेते हैं ना तब तक यूटिलिटी का मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, लाइक कॉटन है, ये देखो कॉटन का भी एक ऑप्शन है, 60 डिग्री में कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 40 में होता है। सिंथेटिक है, मिक्स लोड है, डेडिकेटेड। मिक्स लोड कर दो ना। हाँ मिक्स लोड नहीं करना है एक्चुअली अभी। तो कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट्स। अच्छा। और 4 kg का ही सामान घुसा है। 4 kg कहाँ दिखा रहा है? अभी ये बस चेंज हो गया अभी। ये देखो फिर से कर रहा हूँ, कहाँ दिखा रहा है? ये 4 kg। अच्छा डालो डालो और डालो और डालो। 9 kg का लिया किसने? और कपड़ा नहीं है। एक्चुअली मम्मी पापा भी रहेंगे ना बाद में, तो इसीलिए हमने इसलिए बड़ा वाला लिया है। चलो चलो जूता पोला नहीं है लकू सिंह। चलो 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 लकू चलो 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 कोले कोले जाबे ना, लिफ्ट लिफ्ट चलो लिफ्ट। हाथ धरो हाथ धरो। हाँ राम खुशी खुशी खुशी। अरे बाबा देखो की कोच्छे ओइट कोनटा ओ लालटा रेड रेड। अरे बाबा ओ নিয়ে যাচ্ছে দেখো, ও বুঝছে কি করে কি করতে হবে। ঘুরবি ঘুরবি আস্তে 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 আস্তে, কিন্তু মা দেখো मजा लग जाए मजा लग जाए। अच्छा बराबर लोगो दौड़ा 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 लोगो दौड़ा। ছেড়ে দাও মা ওকে ছেড়ে দাও, পড়ে গেলে লাগবে না তো লাগবে। দৌড়া 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 দৌড়ো। मोनोसिदा ग्लाकू और मम्मी गए हैं नीचे। ग्लाकू को एक्चुअली थोड़ा सा फ्री टाइम देना चाहिए उसको, थोड़ा सा ऐसे, जिसके लिए हम लोग ये जगह लिए हैं एक्चुअली। ग्लाकू अभी गया है खेलने के लिए, बट उसका अभी भी ऐसे कुछ खास फ्रेंड बने नहीं है जो लोग मैदान में जगह खेलेंगे, बट बन जाएगा। इधर से दिख ही नहीं रहा है, एकदम छोटा छोटा दिख रहा है। उधर भी बच्चे लोग सब खेल रहे हैं। ये पार्क अभी भी बना नहीं है, ये भी बन रहा है। ब्लॉकू को ना याद है, जाने से पहले बोला था अभी लड्डू खा लो आके दूध पीना। दूध 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 किसे खाबे? दूध किसे खाबे ना, ওটা তো ওরকম করে খাবে। আর কোন বটলে খাবে? কোন বটলে খাবে? দেখো বটল কই, ওই যে ওইদিকে রেখেছো। कोथाय रेखेछो बोतल? कोथाय बोतल? कोथाय ए जे बोतल। सांभर अभी भी थोड़ा सा बच गया है तो सोच रही हूँ कल इडली बना लूँगी। अगारो की जो फूड प्रोसेसर है ना, इसमें मैं बनाऊँगी इडली का जो बैटर है। इसका इडली का बैटर ना बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट होना चाहिए, तो इसमें ना बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। सो आजकल मैं दाल और चावल अलग अलग करके पीसती हूँ, बहुत अच्छा बैटर बन के रेडी होता है एकदम। बैटर अगर अच्छा होता है ना तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। प्रोसेसर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। इसमें एक छोटा सा जार भी आता है जिससे आप जो छोटे वाले मसाले होते हैं ना, जीरा धनिया ये सब भी ड्राई ग्राइंड कर सकते हैं। अनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर। थोड़ा सा भी मैं एडिटिंग करूँगी। थोड़ा सा स्नैक्स लेके बैठी हूँ, खाकरा एंड ये क्या है मुरुक्कू। एक्चुअली ना फ्रेंड्स लोगों को मना किया है कि कुछ मत लेके आओ कुछ मत लेके आओ स्वीट वगैरह, पर कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं ना, तो ये लेके आए थे। पर खाकरा तो मैंने ही लिया था। खाकरा अच्छा है क्योंकि वो एक तो गेहूं का आटे से बनता है और ये बेक्ड है शायद खाकरा जो मैंने लिया था। ख़त्म करना पड़ेगा। हमारा नया डोर मैट नहीं, बाथरूम मैट, जो दिखाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर मैं इसीलिए दिखा रही हूँ। देखो ये ना बहुत अच्छा होता है क्वालिटी में। जब गीले पैर आप इसमें रखते हो ना तो एकदम पूरा वाटर सोक कर लेता है और एकदम अटक जाता है, क्योंकि कभी ना क्या होता है कि स्लिप हो जाता है तो गिरने की चांसेस रहता है, क्योंकि बाथरूम का जो मैट रहता है ना हमेशा गीला रहता है। तो ये मैंने लिया है, अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। देखो पूजा आ रहा है, होल डे उल्टा पुल्टा खाना चालू हो जाएगा, इसीलिए अभी थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। इसको बोलते हैं दुर्गा पूजा प्रिपरेशन। वेज और थोड़ा सा लाइट खाना खा के, सांभर जो सुबह को बनाया था, सांभर और रोटी। ऐसे कोलकाता में दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है। हाँ बाप रे, श्रीभूमि में कितना हमारा एक फ्रेंड गए थे उस लाइन में, हमने उनका पिक्चर ढूंढ नहीं पाए, वो अलग बात है। एक पिक्चर बहुत फेमस हुआ है, वो कुछ वायरल हो गया था, तो हम लोग उसी पिक्चर को दिखा के चिढ़ा रहे हैं।